थी और वह बुआ दड़कर मर गई। पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भाई प्रहलाद पैज परवान करी है, धर नरसिंह अवतारे। अब जैसे फिर प्रहलाद को उसने सोचा, यू कैसे नहीं मर रहा है, तो एक खंबा लाल कर दिया, कति लोहे का थंब खंबा, इतना आग में इतना गर्म कर दिया और उसको कहा कि तू इस खंभे को पकड़, यदि तेरा भगवान है अब पता चलेगा। और इतना इतना हीट दे रखी थी उसको, इतना गर्म कर रखा था खड़ा खड़ा खंबा, लकड़ी जला जला के, कि हाथ लग जाए तो बालक का चिपका ही रह जाए, खत्म हो जाए एक सेकंड में। प्रहलाद घबरा गया कि आज खत्म होगा तू। तब उसके ऊपर बालू कीड़ी चलती नजर दिखा दी परमात्मा ने, बेटा घबराना। उन्होंने सोची कीड़ी नहीं चलती, ऐसे करना चाहा, उसी समय फट गया वो खंबा, उसमें से परमात्मा पूर्ण ब्रह्म ऊपर से शेर, नीचे से मनुष्य, लंबे लंबे हाथों के नाखून बाहर निकला। अब वो रणक्षेपु हाथ जोड़े, पैर पकड़े, मुझे बख्श दो बख्श दो। तब नरसिंह ने कहा कि ये बच्चा तेरे सामने कितने दिन से हाथ जोड़ रहा था बेरहम, तुझे रहम हुआ इस पर, अब अपना नंबर आया, तुझे डर लगा, पाड़ के फेंक दिया, खत्म कर दिया। अब ये तो है कथा और सत कथा है, लेकिन इसका निष्कर्ष क्या है? और ये तत्व ज्ञान जो आपको बताया जा रहा है, इसमें हर स्टोरी का, कहानी का एक निष्कर्ष निकाला जाता है। जो जाकी सरना बसे, ताको ताकी लाज, जल सो ही मछली चढ़ जाए, वो बह जाते गजराज। कबीर परमात्मा कहते हैं, जो जाकी सरना बसे, ताको ताकी लाज, और जल सो ही मछली चढ़ जा, हो हो, 50-50 फुट, 40-40 फुट नीचे पानी गिरता है, 20-20 फुट, 10-10 फुट नीचे, और मछलियां नीचे से ऐसे स्पीड से ऊपर पहुंच जाती हैं उस बहाव के विपरीत दिशा में, और वहां पर जहां वो जल गिर रहा है झरनों का, हाथी के भी पैर डिगा देता है, हाथी नहीं रुक सकता वहां पर। अब कहने का भाव क्या है कि जो जाकी सरना बसे, ताको ताकी लाज। अब मछली उस जल के बिना नहीं रह सकती, मछली का उस जल से विशेष लगाव है, वह उसकी पक्की भक्त है, और जल के बिना 5 मिनट के अंदर मछली तड़प तड़प कर मर जाती है। तो इसलिए जल ने उसको इतना अनुकूल दे दिया, उसको इतना छूट दे दी, तू कित घूम, ऊपर चढ़ नीचे आ, तेरी सारी छूट। तो पुण्यात्माओं, जैसे हम जिस भी राम की शरण लिए हुए हैं, उसकी जितनी जितना सामर्थ्य है उतना राहत आपको अवश्य देगा। जैसे आपका किसी SHO से मेल है, थाने में आम आदमी नहीं जा सकता, और यदि थानेदार का खास मित्र है वो बेधड़क थाने में जाता है और थानेदार उसको कुर्सी पर बिठा के चाय पिलाता है और उस थाने में कितने घूमे फिरे वो। ऐसे ही किसी की मित्रता SP से है, IG से है, तो वो उसका खास मित्र है तो उसको वो सारी छूट दे कितने घूम फिरे। यदि किसी की मित्रता किसी मंत्री से है तो मंत्री के उसको पूरी सुविधा देता है, उसके सब कार्य भी उसके सत्र के जो होते होने वाले विदिन ला वो सब कर देता है। ऐसे जिसकी मित्रता मुख्यमंत्री से है और खास मित्रता है तो वो अपने स्टेट में उसको पूरी छूट दे देता है, और जिसकी मित्रता प्रधानमंत्री से
उसका आगे मुख्यमंत्री भी सलूट मारे और नीचे वालों का कहना है क्या। तो कहने का भाव यह है कि जो जाकी सरना बसे ताको ताकी लाज, और जल सो ही मछली चढ़ जा वहाँ वह जाते गजराज। गजराज माने हाथियों का भी मुखिया, यानी बहुत तगड़ा हाथी, वो भी उस जल के सामने टिक नहीं सकता, वो बह जाता है। और वहाँ पर वो मछली, वह 2 किलोग्राम की मछली ऐसे ऊपर चढ़ जाती है, नुकती ऐसे नु नीचे गिरता हुआ पानी बहुत गहरा, वहाँ से ऐसे जाती है वह ऊपर पहुँच जाती है। तो यह प्रसंग जो चल रहा है, गरीबदास साहिब जी ने ये बताने की चेष्टा की है कि तुम कौन राम का जपते जापम ताते मिटे ना तीनों तापम। तीन ताप के अंदर आते हैं, जैसे आपके ऊपर किसी ने कोई जंतर मंत्र कर दिया हो, किसी का गाल गलवा रखी हो, और किसी को कोई श्राप मिला हुआ हो, या कोई प्रारब्ध का कष्ट है, तो वो किस राम से समाप्त होगा। अब जैसे श्री रामचंद्र जी को श्राप दिया था नारद जी ने, कि तू एक जीवन अपनी पत्नी के योग में बिताएगा, ऐसा ही हुआ। श्री रामचंद्र जी यानी विष्णु जी को श्राप दिया था श्री रामचंद्र रूप में राजा दशरथ के अगर जन्म हुआ, और पूरा जीवन सीता के वियोग में उसका व्यतीत हुआ। एक बार दुर्वासा जी ने श्राप दिया था कि यादव कुल का नाश होगा, ऐसा ही हुआ। श्री कृष्ण जी का पूरा कुल नष्ट हो गया, श्री कृष्ण जी भी मारे गए। एक शिकारी ने उनके पैर में तीर मारा था, विषाक्त, उनकी भी मृत्यु हुई थी। पुनात्मा हमने अभी आपने सुना के रमता राम जपोरे प्राणी, अब तू सुन ले राम कहानी, परमात्मा की कहानी। राम कहानी तो सृष्टि रचना से कंप्लीट होगी। सृष्टि रचना की जानकारी थोड़ी सिंपल से आपको देंगे, तब आपको पता चलेगा कि कौन राम और कितनी अक्षमता का है। सृष्टि रचना के बारे में जानकारी देंगे आपको थोड़ी सी, फिर विस्तार से कल बताएंगे। राम की कहानी आपको सुनाते हैं। अभी तक हम सत्यनारायण कथा सुना करते थे। सत्यनारायण हम मानते थे श्री विष्णु जी को, और विष्णु जी को सत्यनारायण, सत्यनारायण मीन अविनाशी प्रभु, सत माने अविनाशी। सत साहिब कहो, सत्यनारायण कहो, सतपुरख कहो, सत साहिब कहो। वो सत्यनारायण ये नहीं थे, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश भी नाशवान है। पुनात्मा यहाँ समस्या आ जाती है कि ये कैसा प्रसंग है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है। तो ये बात आम आदमी के गले में उतरती को ना, और इसको गले में उतारने के लिए थोड़ा सा सहयोग लेना पड़ेगा अपने ही सदग्रंथों का। देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों नाशवान हैं। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है ये। संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत यानी दुर्गा पुराण, शक्ति पुराण, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी, और ये प्रकाशक है एवं मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 123 पृष्ठ पर हमारा काफी काम सर जाएगा, ये 5-7 पंक्तियों में बहुत कुछ बात सुलझ जाएगी। तीसरा स्कंद 123 पृष्ठ पर।
अब भगवान विष्णु दुर्गा जी की स्तुति कर रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है, मैं शंकर और ब्रह्मा, मैं ब्रह्मा और शंकर, विष्णु जी कह रहे हैं मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्वान हैं, हमारा आविर्भाव और त्रोभाव हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। हमारा आविर्भाव माने जन्म, त्रोभाव में मृत्यु होता है, हम तो जन्मते मरते हैं, अविनाशी नहीं है। भगवान शंकर बोले देवी यदि महाभाग विष्णु तुम ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो, शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि सतती और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं, उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम, शंकर जी बोल रहे हैं अब, ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियम अनुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब ये कड़वी कुडीन जो है आप आसानी से खा सकोगे, क्योंकि ये हमारे सदग्रंथों में इनकी जीवनी में लिखा है। इससे चार कंसेप्ट क्लियर हो गए, एक तो ब्रह्मा विष्णु महेश अविनाशी नहीं है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, दुर्गा इनकी माता है, और दूसरा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है, और तीसरा ये हो गया कि ये नाशवान है। एक तो ये हो गया कि ये नाशवान है, अविनाशी नहीं है, दूसरा ये हो गया कि दुर्गा इनकी माता है, और तीसरा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, और चौथा ये हो गया केवल ये नियमित काम करते हैं, ये किसी के कोई संस्कार को कम बत्ती नहीं कर सकते। आपके प्रारब्ध में यदि किसी को कोई कष्ट है तो ये उसको निवारण नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने स्वयं भोगना पड़ा। जैसे विष्णु जी को श्राप दिया था, अभी बताया आपको, नारद जी ने, विष्णु जी ने भोगा श्री राम रूप में आके, श्री राम रूप रामचंद्र जी के रूप में, रामचंद्र जी ने सुग्रीव के भाई बाली को मारा था धोखा देकर, पेड़ की आट ओट लेके, वो बदला भी उन्होंने श्री कृष्ण रूप में आके दिया। श्री कृष्ण जी तो विष्णु जी वाली आत्मा थे, और बाली वाली आत्मा एक शिकारी था जिसने विषाक्त तीर लिए हुए था। भगवान श्री कृष्ण जंगल में एक वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे, पैर में पद्म था, उस पद्म को मृग की आंख जानकर वृक्ष के झुरमटों में से ना देखकर स्पष्ट उस विषाक्त तीर को हिरण जानकर ठोक दिया। श्री कृष्ण जी उस विषाक्त तीर से मृत्यु को प्राप्त हुए। तब श्री कृष्ण जी ने मृत्यु से पहले उस शिकारी से कहा कि भी तेरा और मेरा ये पिछला कोई संस्कार था। अब वो शिकारी रोने लगा, कहने लगा, उसने देखा कि मृग नहीं, ये तो द्वारकाधीश मर गया, हाथ जोड़कर कहने लगे भगवान मुझसे गलती होगी, आपकी मृत्यु निश्चित है क्योंकि ये विषाक्त तीर है और मेरे से धोखा हो गया। श्री कृष्ण ने कहा कि भाई तुझे तेरे से कोई धोखा नहीं हुआ, ये तेरा और मेरा पिछला टिट फॉर टेट था, पिछला अदला बदला था, वो आज पूरा हो गया। तब शिकारी ने कहा प्रभु मेरा ऐसा कौन सा आपका और मेरा केवल जेड़ा आप राजा, मैं कंगाल आदमी जंगल में भटकने वाला। तब श्री कृष्ण जी ने कहा त्रेपता युग में मैं रामचंद्र था, तू बाली था, सुग्रीव का भाई बाली था, और मैंने तेरे को ऐसे ही धोखा देकर मारा था, आज तूने मेरे से मेरे को मार दिया, तेरा मेरा हिसाब बराबर है, अकाउंट क्लियर हुआ तेरा मेरा। तो कहते हैं तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे नाती नू तापम, अदले बदले लेखे लेखा, समझ बूझ सुन ज्ञान विवेका, कि तुम तो ऐसे ही एक दूसरे का टिट फॉर टेट करने के लिए जन्मते मरते रहते हो, और हमारे ज्ञान पर विचार करो, तुम्हारे इन सब संस्कारों को सुलझा देंगे। तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे नाती नू तापम, अदले बदले लेखे लेखा, समझ बूझ सुन ज्ञान विवेका, कि तुम तो ऐसे ही एक दूसरे का टिट फॉर टेट करने के लिए जन्मते मरते रहते हो, और हमारे ज्ञान पर विचार करो, तुम्हारे इन सब संस्कारों को सुलझा देंगे।
तो पुण्यात्माओं,